ये यहाँ पर जो है राजनिवास को लेकर जिस प्रकार को शुरू से राजनिवास के मामले को लेकर 29 तारीख को जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर सारे अपराधियों का नाम बताया गया था, षड्यंत्र तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई थी, उस पर जो है लगातार कार्रवाई करते हुए जिस प्रकार से लोगों को अंदर लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से शुरू से ही प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी राजनिवास के कमरे को बुक करना, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कमरा किसके नाम से बुक हो रहा है, ये सुनिश्चित होना चाहिए था कि भले ऊपर का मंत्री आपका प्रभारी मंत्री, जिसको जानकारी अनुसार मेरे जानकारी अनुसार प्रभारी मंत्री या फिर कोई यहाँ का जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा जो अगर भले आपको प्रेस किया जा रहा था, लेकिन किसी अपराधी के नाम पे कमरा बुक नहीं होना चाहिए था। रीवा शहर के बहुचर्चित सर्किट हाउस रेप कांड में सहयोग देने वाले एसडीएम का निलंबन और मंत्री का नाम सार्वजनिक करने की मांग उठी है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर ने नाम एडीएम शैलेन सिंह को दिए ज्ञापन में जल्द से जल्द प्रेस वार्ता कर सभी पहलुओं के खुलासे पर सहमति बनी है। आपके जिला अध्यक्ष ग्रामीण प्रमोद शर्मा ने बताया कि 28 मार्च की रात सर्किट हाउस में हुए दुष्कर्म के विरोध में एक महीने पहले रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के घर का घेराव कर गिरफ्तारियां दी थी, साथ ही जिला प्रशासन को एक महीने का समय दिया गया, फिर भी आज दिनांक तक दोषी अधिकारी और मंत्री की भूमिका नहीं तय की गई है। प्रमोद शर्मा ने कहा, हमारी मांग है कि आरोपी महंत को बुलवाकर शहर में पोस्टर लगवाने वाले बिल्डर पर कार्रवाई हो, साथ ही दोषी मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, वहीं रूम इलाज करवाने वाले एसडीएम को निलंबन कर हटाया जाए, साथ ही पर्दे के पीछे से संरक्षण देने वाले नेताजी पर भी कार्रवाई हो, वहीं दुष्कर्मी महंत के साथ फोटो खिंचवाने वालों की भूमिका जांची जाए। विरोध के दौरान जिला अध्यक्ष ग्रामीण प्रमोद शर्मा, संभागीय अध्यक्ष अमित सिंह, महिला विंग जिला अध्यक्ष मंजुला सिंह, शहर महिला अध्यक्ष आशा त्रिपाठी, किसान मोर्चा अध्यक्ष शुभ्रांश द्विवेदी, संगठन मंत्री महर्षि सिंह, सह संगठन मंत्री रवि मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष सतीश तिवारी, भैयालाल पटेल, जिला कार्यालय प्रभारी विजय कांत तिवारी, यूथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शुभम सिंह, बीके त्रिपाठी, इंद्रदेव सिंह सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।